हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन, राइट? सो लेट्स स्टार्ट नाउ. लेट देयर इज अ प्लेन विच कट्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस एट पॉइंट ए बी सी रिस्पेक्टिवली. क्या बोला बेटा मैंने कि कोई भी एक प्लेन है एंड वो प्लेन एक्सिस या एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस को पॉइंट ए पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस को एट पॉइंट बी एंड जेड एक्सिस को एट पॉइंट सी कट कर रहा है. ओके, कोई एक प्लेन ऐसा है जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ए बी सी इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कट कर रहा है. सो दिस वन इज द प्लेन. तो ये वो प्लेन होगा बेटा. अब आपको ये प्लेन ऐसा लग रहा होगा जैसे ये एक ट्राइंगल होगा, ऐसा नहीं है. एक्चुअली प्लेन तो अपने आप में इनफाइनाइट ही है. जैसे आप अपने रूम को लीजिए, अपने रूम के किसी एक कॉर्नर को ओरिजिन मान लीजिए एंड उस कॉर्नर से जाने वाली जो तीन लाइन है, दो लाइन तो आपके रूम के फर्श की और एक लाइन आपके रूम के अंदर हाइट वाली, उन तीनों लाइन्स को आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस मान लीजिए, लेट कर सकते हैं. देन वो तीनों रूम के एंड पॉइंट्स पे पहुंचेंगे ना, रूम के एंड पॉइंट्स पे. जैसे फर्श की लेंथ के अकॉर्डिंग एक लाइन कंप्लीट हो जाएगी, एक लाइन फर्श की ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग कंप्लीट होगी, फ्लोर के अकॉर्डिंग, एंड एक हाइट के अकॉर्डिंग छत पे जाके कंप्लीट हो जाएगी. तो जहाँ वो तीनों लाइन कंप्लीट हुई, उन तीनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कीजिए एंड फील कीजिए फिर शेप कैसी आएगी. वो उस ओरिजिन को टच नहीं कर रही होगी, उस ओरिजिन से दूर होगी वो शेप, समझ गया ना? तो इस टाइप के प्लेन की बात कर रहे हैं एंड प्लेन इनफाइनाइट तो होगा वो, हम तो सिर्फ उसको तीन पॉइंट से पास होते हुए देख रहे हैं. तो ऐसे प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, ऐसे प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, चलो देखते हैं. ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज ए जीरो जीरो, वाई बिकॉज दिस डिस्टेंस इज ए. सिमिलरली दिस पॉइंट इज जीरो जीरो सी बिकॉज एट जेड एक्सिस द इंटरसेप्ट इज सी एंड ऑन वाई एक्सिस द इंटरसेप्ट इज बी, सो द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट आर जीरो बी जीरो. ओवरऑल वी कैन से द रिक्वायर्ड प्लेन पासिस थ्रू द पॉइंट्स विच पॉइंट्स ए जीरो जीरो देन जीरो बी जीरो एंड देन जीरो जीरो सी. ओवरऑल जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो इन तीन पॉइंट से पास हुआ है, हुआ ना बेटा? और अगर वो पॉइंट इन तीन पॉइंट प्लेन इन तीन पॉइंट से पास हुआ है तो उसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, पिछले एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग. Suppose this one is the passing point. Then, equation of the plane in passing point form. क्या होगी बेटा? A into x minus a plus b into y minus 0 प्लस सी इंटू जेड माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो. ये उस प्लेन की इक्वेशन है. किस प्लेन की? जो इस पॉइंट से पास होता है. अब पॉइंट तो ये भी है बेटा, ये भी इसको सेटिस्फाई करा. आप इस सी की जगह कुछ और रख लीजिए, सी पी रख लीजिए, ए बी सी डी रख लीजिए, वरना आप उस सी में इस सी में कन्फ्यूज हो जाएंगे, राइट? अब ये तो पासिंग पॉइंट है ना, दिस वन इज ऑल्सो पासिंग पॉइंट. तो ये उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो रखिए ए इंटू एक्स की जगह क्या रखा आपने? जीरो. वाई की जगह पी जीरो रखा बेटा, बी रखा, वाई की जगह रखा बी एंड जेड की जगह रखा जीरो. तो ओवरऑल इक्वेशन क्या आ गई? ओवरऑल इक्वेशन आ गई माइनस ए इंटू ए देन प्लस बी इंटू बी एंड देन प्लस जीरो इंटू डी इज इक्वल टू जीरो. से इक्वेशन नंबर वन. सिमिलरली दिस पॉइंट विल ऑल्सो सेटिस्फाई टू इक्वेशन ऑफ प्लेन. थर्ड पॉइंट भी प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो चलो करते हैं, आइए पुट दिस वन इन दिस इक्वेशन.
एक्स की जगह क्या रखेंगे, जीरो, सो ये आएगा माइनस ए इंटू ए, इन प्लेस ऑफ वाई अगेन जीरो, सो प्लस जीरो इंटू बी, एंड जेड की जगह सी रखा आपने, सो सी इंटू डी, सो सी इंटू डी इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। ये दो इक्वेशन आ गए बेटा, आगे दो इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे आप। कैसे सोल्व करेंगे भाई, होमोजीनियस मेथड, ए अपोन माइनस बी अपोन एंड डी अपोन, ए अपोन बी इंटू सी, माइनस जीरो इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, देन बी अपोन, बी अपोन क्या आएगा माइनस ए इंटू सी, एंड देन दिस इंटू जीरो जीरो, देन डी अपोन जीरो एंड माइनस माइनस ए इंटू बी, प्लस का ए बी हो गया। करेक्ट बेटा, आ रहा है समझ में? तो इधर माइनस से माइनस कैंसिल, तो ओवरऑल क्या आ गया, ए अपोन बी सी इज इक्वल टू बी अपोन ए सी इज इक्वल टू डी अपोन ए बी। तो ऐसा मान लें, लेट दिस वन बी इक्वल टू लैम्डा, ये तीनों आपस में इक्वल, तो क्या मान लूँ मैं इनको, लैम्डा इक्वल मान लूँ, तो इधर से आप कैपिटल ए बी सी की वैल्यू निकाल लीजिए, इधर से आप कैपिटल ए बी सी की वैल्यू निकाल लीजिए, एंड कहाँ रख देंगे, इस इक्वेशन के अंदर रख देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो रख के देखते हैं, मैं ए बी सी की वैल्यू, कैपिटल ए की वैल्यू क्या आई, कैपिटल ए की वैल्यू बी सी इंटू लैम्डा, ना बी सी उतर गया, देन कैपिटल ए इक्वल टू ए सी इंटू लैम्डा, कैपिटल डी इक्वल टू ए बी इंटू लैम्डा। बेटा इस ए बी सी, ए बी डी की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो, से इक्वेशन नंबर वन, पुट इट, पुट इट यार। मैं काम करता हूँ, उस पहले वाले पार्ट को रफ कर लेता हूँ, मैं उस पहले वाले पार्ट को रफ कर लेता हूँ, इस पार्ट को रफ कर रहा हूँ। देखिए तो ये इक्वेशन क्या होगी बेटा, देखो इधर, देन दिस इक्वेशन बिकम्स क्या आ गई इक्वेशन, रखे देखो एक बार, ए की जगह रखा बी सी, तो बी सी इंटू, बी सी इंटू एक्स माइनस ए, देन प्लस बी की जगह क्या रखा ए सी, बी सी इंटू लैम्डा, उधर सॉरी बी सी इंटू लैम्डा, देन ए सी इंटू लैम्डा इंटू वाई माइनस जीरो, एंड प्लस डी की जगह क्या रखा ए पी इंटू लैम्डा, ए पी इंटू लैम्डा इंटू जेड माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन आ गया बेटा, एक तो लैम्डा कॉमन आ गया, एक तो थ्रू आउट लैम्डा कॉमन, एंड मैंने ए बी सी को भी कॉमन निकाल लिया, ए बी सी लैम्डा कॉमन, अंदर क्या बचा देखो, यहाँ बचेगा वन अपोन ए इंटू एक्स माइनस ए प्लस वन अपोन बी इंटू वाई माइनस जीरो यानी कि वाई, वन अपोन सी इंटू जेड माइनस जीरो मीन जेड इज इक्वल टू जीरो। बेटा इसको तो जीरो की तरफ ले जाओ, एंड इस ए से इधर डिवाइड कीजिए, तो एक्स बाई ए, फिर प्लस वाई बाई बी, फिर प्लस जेड बाई सी, एंड एक टर्म हो रहेगी कौन सी, देखिए जब ये वन अपोन इस ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का वन आएगा ना, उसको जीरो की तरफ लेके जाएंगे तो इक्वल टू वन। तो ये आ गई प्लेन की इक्वेशन। तो बेटा याद रखना, याद रखना, प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म में जो इक्वेशन होगी ऐसी होगी। तो अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, आगे से डायरेक्ट लिखेंगे, मैंने प्रूफ दे दिया आपको, आगे से मैं डायरेक्ट यूज क्या करूँगा, किस चीज़ का, कि अगर कोई भी प्लेन एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट सपोज कीजिए फॉर्म कर रहा है टू, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट फॉर्म कर रहा है से थ्री, एंड जेड एक्सिस पे इंटरसेप्ट फॉर्म किया सिक्स, तो मैं उस प्लेन की डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकता हूँ। क्या आएगी उसकी डायरेक्ट इक्वेशन, एक्स अपॉन टू, टू मीन्स एक्स इंटरसेप्ट, वाई अपॉन थ्री यानी कि जेड वाई एक्सिस वाई इंटरसेप्ट, एंड प्लस जेड अपॉन सिक्स इज इक्वल टू वन। एलसीएम वगैरह लेके इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में लेके आ सकते हो। तो इस तरह से प्लेन की इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गई आपको। इसके क्वेश्चन बड़े ईजी हैं, एक्सरसाइज के क्लास के अंदर करवा चुका हूँ, ये प्रूफ क्लास के अंदर मैंने आपको नहीं दिया था, ये आपके लिए छोड़ दिया था, तो इसलिए मैंने इसको यूट्यूब वाली वीडियो में करवा दिया। राइट बेटा, सो प्रैक्टिस करेंगे आप, एंड देन ईजिली ज्योमेट्री को क्रैक कर सकते हैं। राइट, ओके बेटा, थैंक यू।